जी मंसूबात चल रहे हैं और मंसूबात में हमने कल मफूल ही शुरू किया था लेकिन मुकम्मल नहीं कर सके। आपने जो पूछा है ओमी का माना बता दें। खल मासी है। ठीक है जी, ये किससे बना है जरा मुझे बता दें। जी हाँ, तपू मीना से बना है। खड़ी होती है या खड़ी होगी तू एक। चले आप खुद बनाए, मैं नहीं बनाता। क्या करें, अमर कैसे बंद होते दादी। पीछे क्या बन गया, उमीना। क्या बन गया, उमीना। अच्छा, अब आप जब उमीना बन गया ना, क्या बन गया, उमीना। अब नून एराबी है, सात सीखों में क्या होता है, नून गिराबी होता है, गिर जाता है, गिरा दिया। क्या बना, उमी। उमी हो गया, पढ़ गया, यहाँ तक हो गया ना, समझ गया इस बात को। अच्छा जी, अच्छा ना, सवाल उनका पूछेगा। ठीक है, आपके जहन में क्या जवाब आ रहा है ये समझ ना, फेलत है यार, फेलत ही है। अच्छा, ये शुरू भी इसके आप ये है तो यार, ये ना फेलत ही है। अब जवाब दें जी इनको जी, तो वो मीन है, वो मीन होना चाहिए, या क्यों रहती है, या क्यों रहती है, बताएं जी कोई, कोई बता दे जी। नहीं तो कम दे, इधर सरो सरो कहीं है सी कुछ, ये मोनस के लिए सर्च इंजन हमारा काम कर रहा है अल्लाह के फजल से। लेकिन आप बताएं, आप जवाब दें। हाँ जी, मोनस की वजह से तो है, तो यह ही है ना, उनका इतराज ये है तो यह इल्लत है, करनी चाहिए। आप जाजमा की वजह से आखिर से भी गिराते हैं, और अभी आपने कायदा पढ़ा है सेकंड लास्ट को भी गिराते हैं, ये तो आई थी आखिर बेटे, इसको तो चाहो पर ना करो जी। असल में अब चूंकि वक्त नहीं है, वरना ये जो या है ना, या ये या जो है ना, सुने ये या क्या है, ये या जमीर है, और या जमीर क्या होती है, मबनी, गैर मुतमक्किन, किसमें अव्वल, मुस्मरात। समझ गयो, ऐसा से नहीं गिरती। ये सवाल भी आपका पहली मरतबा आया है, वो जवाब भी अभी जहन में आया, क्यों नहीं गिरती। ठीक हो गया जी, मैंने पीछे आपको बताया था ना कि भाई किस किस में क्या फायदा है, तो मैंने आपको बताया था कि फेल मुजारे के अंदर जाते हैं वाइफ मोहनस हाजिर के अंदर, तो वहाँ इख्तिलाफ पड़ता है। कुछ कहते हैं ये या जमीर जो है इसका फायल है, कुछ कहते हैं नहीं अंती इसके अंदर फायल है। अगर अंती है तो मुस्ततर हो जाता है, और अगर इसी या को बनाते हैं तो बारिज हो जाता है। याद आ रहा होगा, बताया था ना, तो हम मैंने ये भी कहा था कि ज्यादातर लोग अंती नहीं निकालते, या को बनाते हैं। अब जब या को बनाते हैं तो ये या क्या हो जाती है, जमीर, फायल जमीर बनती है ना, तो जमीर क्या होती है, गैर मुतमक्किन की किस्म है, वक्त मबनी मुशावे मबनी। अरीम साहब जी जी समझ गए ना, ये तो नहीं इस्तेमाल कर गया जी, कर गया सर ठीक है, तो जमीर हो गई लेकिन नाम का सवाल था, मुझे ठीक आ सवाल जेनी ना, सॉरी
अच्छा जी चले जी, इस तरह आदमी सीखते देखें जिनों पर गौर करें आदमी किसकी कामा कामा यकुमु नसरा कवामा यकुमु ठीक है, और मसदर में फिर हम जाके कवामन से क्या बना जाते हैं कयामन। अभी आपने पढ़े आपने मसदर के अंदर वाव क्या बन जाती है पहले जेर होने की वजह से या कवामन से कयामन इसी का मसदर ठीक हो गया। चले जी हम चल रहे थे इसमें मफूल भी में, मफूल भी वो है कि जिस पर फाइल का फेल वाक्य हो, फाइल का फेल वाक्य हो। जब फाइल का फेल वाक्य होगा तो हमने कहा था कि इसका कभी कभी आप फेल और फाइल हज़फ़ कर लेते हैं और सिर्फ किसको छोड़ देते हैं मफूल ही को। कल हमने क्या इसकी मिसालें कितनी पढ़नी थी, तीन, दो मिसालें कल हमने पढ़ ली थी। दो मिसालें कौन सी पढ़ी थी अगर कोई सुना दे। नंबर एक अहलन वसहलन, अहलन का मतलब है अपनों में और सहलन का मतलब खुशगवार नरम जगह में। अब इनका फेल आप बताएं क्या, अहलन का फेल क्या है अतईता, अतईता ना तू नहीं मैं नहीं आया तू आया, अतईता आया तू फेल फाइल किस में आया अहलन अपनों में, वतईता तू दूने रोंदा किसको मतलब खुशगवार नरम जमीन को। आई बात समझ, तो आप देखें यहाँ पर अतईता और वतईता ये दोनों क्या हैं फेल है, माजी है कि नहीं भाई माजी है, कौन से हैं वतिया वतिया वतियो वतियत वतियाता वतेना आगे आई बात समझ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर उसी से हमने बनाया। इसी तरह जो है आप जब आगे चलते हैं अतईता अता अतया अतईना उसमें जाके हम आगे अतईना अतईता अतईतुमा अतईता वो है तो फिर यहाँ पर मज़ूम है। तो मैंने अपने अपने अंदाज में मिसालें आपने खुद दी थी सांप गाड़ी तो वो मफूल जिक्र होता है और फेल फाइल जिक्र, फेल फाइल क्या होता है बचा अपने आप को किससे सांप से गाड़ी से। दूसरा क्या पढ़ा था हमने ये तो खैर पहला था और दूसरा हमने वही सांप वाला पढ़ा था यानी डराने के लिए किसी को ये बात की जाती है डराने के लिए या उबारने के लिए भी की जाती है। ये तो सिर्फ इन्होंने डराना लिखा है ना, मैंने कहा था उबारना, उबारने की मिसाल में यानी क्या दी थी कोई आदमी कहता है यार मैं चाहता हूँ बड़े अच्छे नंबर हासिल कर लूँ तो आप कहते हैं अलजोहदा 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 मेहनत मेहनत क्या मतलब अलजिम अलजोहदा अलजोहदा क्या माना लाजिम पकड़ मेहनत मेहनत। अब देखें लाजिम पकड़ फेल तू फाइल और अलजोहदा मफूल भी तो आप उसको कहते हैं जोहदा जोहदा मेहनत 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 लगन 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 ठीक है जी। तो ये आप उसको ये मफूल भी का जिक्र करते हैं फेल फाइल का जिक्र वो किसके लिए आया हुआ डराने के लिए नहीं आया हुआ उबारने के लिए आया हुआ किस लिए आया हुआ है उबारने के लिए। नंबर तीन में कहते हैं या हर्फ निदा उसमें भी आप देखते हैं फेल मज़ूफ होता है। मसलन जब आप किसी को कहते हैं किसी को आप कहते हैं कि या ज़ैदू क्या कहते हैं या ज़ैदू इसका क्या माने ए ज़ैद इसको अगर आप फेल में कन्वर्ट करें तो क्या पढ़ेंगे ए ज़ैद तो हरफ हो गया ना ए हरफ हर्फ निदा ज़ैद ज़ैद इसम हो गया। इसको अगर आप फेल में कन्वर्ट करें इसका मतलब भी फेल वाला बनता है। इसका मतलब ये बनता है मैं पुकार रहा हूँ किसको मैं बुला रहा हूँ किसको या जैद का मतलब ही ये है मैं बुला रहा हूँ जैद। तो जब आप मैं बुला रहा हूँ ये फेल है कि नहीं तो इसका माना बनेगा अदउ क्या बनेगा अदउ। अब जैद तो नहीं बनेगा मैं बुला रहा हूँ जैद को जैदन क्यों जैद क्या बन रहे हैं मफूल या ज़ैदू ए ज़ैद इसका मतलब है मैं बुला रहा हूँ ज़ैद को तो मैं बुला रहा हूँ अदू के मैं बुला फिर वाहिद मुतकल्लिम वाहिद मुतकल्लिम किसे बनते हैं हमज़ा से जम मुतकल्लिम किसे बनते हैं नून से ना तो वो होता तो फिर जम मुतकल्लिम ठीक हो गया तस्नीया बचा अदू। अब इसका फाइल कौन है मुतकल्लिम के अंदर फाइल गुजारे के अंदर गुसा होता है अना अना फाइल अना क्या है फिर फाइल मुकम्मल हो गए अगला क्या बनेगा कफूल कफूल मैं बुलाता हूँ जैद को तर्जमा किसके बाद आता होता है
फुल बी के बाद, इसके बाद आता होता है फुल बी के बाद। अब देखिए जब आप कहते हैं या ज़ईदू, इसके अंदर फेल महज़ूफ होता है, कौन सा फेल होता है ये, ठीक है बात समझ आ रही है। एक और मिसाल देता हूं जो उन्होंने नहीं लिखी, आप कहते हैं हाज़ा ज़ईदुन, हाज़ा ज़ईदुन, इसका क्या मतलब है, इसको अगर आप फेल में कन्वर्ट करना चाहें क्या बनेंगे, क्या मतलब है इसका, आप क्या मतलब है हाज़ा ज़ईदुन, क्या आप क्या बताना चाहते हैं, मैं ज़ैद की तरफ इशारा कर रहा हूँ, मैं ज़ैद की तरफ क्या कर रहा हूँ, इशारा, इशारे है ना, हाज़ा क्या इसमें इशारा, तो अब आप इशारे वाला कोई फेल लाएं, उशीरु क्या है, उशीरु इला ज़ैद, इला हरफ़ज़र लेकिन ये मिसाल में तो नहीं दे रहा, वैसे आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ किस तरह होता है। आप हाजा का मतलब है उशीरु, मैं इशारा करता हूँ किसकी तरफ, अशारा युशीरु इशारा था, आप ये फाल है, तो मैं इशारा करता हूँ किसकी तरफ, ये किसके अंदर फाल है, लेकिन किसको मैंने वैसे आप बता दिए, असल मिसाल आपकी ये जो इन किताबों में लिखी है, इसमें आपने मफूल भी की मिसाल देनी है, हाँ यही मसल जिसमें आप चार पांच है ना, क्या आया हया आए हमजा मफ़ूल, सब में यही मसला, इस बात को समझ गए। तो ये तीसरी मिसाल थी किसकी, फेल फाइल के महजूफ होने की और मफ़ूल बी को लाने की, मफ़ूल बी को लाने की। तो यहाँ पर देख रहे हैं या ज़ईदू का मतलब क्या होता है, मैं बुलाता हूँ ज़ैद को, तो अदऊ फेल अना ज़मीर फाइल और ज़ईदन क्या बन जाएगा, मफ़ूल बी। अच्छा इसको समझ गए, अज़ा समझ गया सारे इसको। अब जब इन्होंने मुनादे के यहाँ जिक्र किया है तो अब मुनादा की बहस भी शुरू कर दी है, मुनादा की कहते हैं चलो भाई अब मुनादा का जिक्र आ ही गया तेरे दा का, तो थोड़ा सा इसके बारे में सुन ही लो, थोड़ा सा इसके बारे में, जिस तरह खतीब साहब कोई मौजू शुरू किया होता है तो चलते चलते दरमियान में कोई एक बात आती है तो कहते हैं चले आप जब ये बात आई गई है तो थोड़ा सा इसके मुतालिक भी, तो इन्होंने भी वही तरतीब पकड़ी है, हालांकि चल रहे हैं मनसूबात। तो इन्होंने ये चंद चीजें आपको बताई, कहते हैं एक होता है हर्फ निदा, हर्फ निदा, हर्फ निदा कहते हैं जी कौन कौन से, या आया हया आए हमजा मफ्तूहा, लेकिन पहचान में जरूरत नहीं आगे आ रहे हैं, सिर्फ आप सुन लें इनमें से या आप समझ रहे हैं अभी। अच्छा एक होता है मुनादी, मुनादी किसको कहते हैं, बुलाने वाला, जो आप कह रहे हैं फना आप मुनादी हैं, मुनादा कौन होता है, जिसको बुलाया जाए, समझदार लोग हैं, मुनादा जिसको बुलाया जाए, तो जिसको आप बुला रहे हो वो कौन है, मुनादा पुकार रहे हैं। अब कहते हैं ये जो मुनादा है ना, मुनादा इसको पकड़ ले, इसके कई इराद, इसके मसलन यहाँ मुनादा कौन है, इसके इराब है, मसलन इसका इराब नंबर एक तब जब ये सिंगल सिंगल आए या ज़ईदू मबनी बर ज़म्मा, ये मार्फा की मिसाल है, नकरा की मिसाल दें या रजुलू, लेकिन नकरा जब या के बाद आ जाए तो आपको पता है क्या बन जाते हैं, मार्फा बन जाते हैं, मार्फा की सात किस्मों में से क्या है ना कि या मेरे दा से पुकारा जाए, ये मबनी बर ज़म्मा की मिसाल है, नोट फरमाएं मबनी बर ज़म्मा या ज़ईदू या रजुलू, ठीक है ये पहले आ गई। दूसरी इसकी ये कौन है भाई, मबनी बर ज़म्मा कौन होगा, मुनादी या मुनादा, किसको पकड़ते हैं, ज़ैद मुनादे है ना, रजुल मुनादे है ना, ये मबनी बर ज़म्मा है। अच्छा कभी कभी ये मुज़ाफ़ होगा, ये कब है, ये मबनी बर ज़म्मा कब है, जब मुज़ाफ़ शिबे मुज़ाफ ना हो, जब मुज़ाफ शिबे मुज़ाफ ना हो। अब दूसरी मिसाल हम देंगे मुज़ाफ की, जी मुज़ाफ हो तो मंसूब क्या होगा, ऊपर क्या था ज़मा, इधर क्या होगा मंसूब। इसकी मिसाल जैसे या रसूल अल्लाह, या रसूल
लल्ला, लल्ला नहीं बल्कि क्या है, ये जो स्पीकरों पर खड़े यार रसूलुल्लाह या हबीबुल्लाह ये गलत पढ़ रहे होते हैं। फायदा ये है कि जब ये मुनादा जो है ये जब क्या हो जाए मुजाफ हो जाए तो ये क्या होता है मंसूब होता है, आप इसको मरफू नहीं पढ़ सकते। अब देखें यहाँ पर मुनादा कौन है, रसूल अल्लाह, अल्लाह का रसूल ना, तो रसूल अल्लाह का रसूल मुजाफ है कि नहीं, रसूल अल्लाह होगा लुल्ला होगा या हबीब अल्लाह या अब्दुल्लाह या अब्दुर्रहमान, जबर आएगी अलीम साहब, क्या आएगी जबर, क्योंकि ये मुजाफ हो गया, मुरादा क्या हो गया, जब मुजाफ और शिबे मुजाफ ना हो तो क्या होता है मबनी पर जमा। अब शिबे मुजाफ तीसरी मिसाल शिबे मुजाफ की, ये कौन शिबे मुजाफ होगा, ये भी बार बार ना नहीं लिखा, बात चल रही है मुनादा की, शिबे मुजाफ कौन सा होता है, शिबे मुजाफ होता है पीछे गुजरा भी है कि जिसमें मुजाफ तो नहीं होता लेकिन मुजाफ वाली सिफत पाई जाती है कि वो बात की तरफ क्या होता है मोहताज, ठीक है, जैसे या तालियन जबलन क्या है, या बल्कि या तालियन जबलन छोड़ दो, या कारियन किताबन, या कारी अन किताबन, क्या माने इसका, एक किताब के पढ़ने वाले के का के आ रहे नहीं आ रहा तो मुजाफ होना चाहिए ना, लेकिन मुजाफ के लिए अभी आज मैंने कहा है कि जब मुजाफ करते हैं तो मुजाफ के ऊपर से क्या हटा देते हैं और क्या हटाते हैं, क्या तर्मीन है कि नहीं है, तो तर्मीन बताती है मुजाफ और तर्जमा बताता है कि मुजाफ, नुक्ता नोट करें, तन्वीन बताती है मुजाफ नहीं है, माना बताता है मुजाफ है, एक किताब के पढ़ने वाले का के की किसका तर्जमा होता है मुजाफ उतर। अब हमने इसको ना मुजाफ कहना है ना छोड़ सकते हैं ना कह सकते हैं, तो हमने इसका नाम रखा शिबे मुजाफ, यानी मुजाफ की तरह, मुजाफ की तरह। अब इसका इराब क्या होगा शिबे मुजाफ में, ये भी मंसूब मुनव्वन, क्या कहा मैंने, मुनव्वन क्या होता है, लिख दिया जी, हाँ अच्छा, चौथा आखिरी चौथा है ये चौथा नकरा गैर मुआयना, नकरा गैर मुआयना ये भी क्या होगा मुजाफ, नहीं मुजाफ नहीं मंसूब, क्या होगा जी मंसूब हो, ठीक है, और ये भी मुनव्वन है। इसकी मिसाल मसलन एक नबीना आदमी रास्ते पर जा रहा है और उसको मदद की जरूरत पेश आ गई, उसको खशखश की आवाज कुछ दाएं बाएं से आ रही है, पता नहीं वो कौन खशखश कर रहा है, कोई जानवर ही शायद गुजर रहा होगा, लेकिन इसको आसरा लगा हुआ है डूबते को तिरके का सारा, इसने आवाज लगाई या रजुलन खुद भी यदि, ए मर्द मर हाथ पकड़ में डना आ रहा, खुद भी यदि पकड़ मेरा हाथ, अब पता नहीं वो मर्द है कि औरत है महरम है गैर महरम है या कोई जानवर है, लेकिन इस बेचारे ने आवाज लगाई, आई बात समझ, ये जो इस वक्त जुमला बोलेगा ना या रजुलन खुद भी यदि ए मर्द पकड़ मेरा हाथ, ये या रजुलन, रजुलन क्या है मुनादा मंसूब मुनव्वन, ठीक हो गया, गैर मुअय्यन क्यों है, पता है तो कोई नहीं ऊंट पर टंग मार रहा है ना, इस बेचारे को तो कोई पता नहीं है, या रजुलन खुद बियदी, ये समझ आ गई है, ए मर पकड़ मेरा हाथ, ये देखें मुनादा मुजाफ मुनव्वन मंसूब, फिर मुजाफ कहते हैं हम इसको मंसूब मुनव्वन, मंसूब मुनव्वन, गैर मुअय्यन भी है कि नहीं है, उसने वैसे ही अपने अंदाजे से आवाज दी है वरना कोई पता नहीं है कि मर्द है या नहीं, समझ लिया इस बात को। और इसमें आखिरी चीज जो है वो ये है कि ये मुनादा जो है हर्फ निदा और मुनादा के दरमियान में अगर मुनादा मुअर्रफ बिल लाम हो तो फिर हर्फ निदा और मुनादा के दरमियान में अय्यू का लफ्ज लगाते हैं, क्या लगाते हैं,
क्या कहा है, मुनादा मुआर्रफ बिल लाम हो। मुनादा कौन है ये जिसकी हम सारी बात कर रहे हैं, मुआर्रफ बिल लाम हो। मसलन रजुल की जगह क्या आ जाए, रजुल, और इधर क्या आ जाए, या। तो आप क्या करेंगे, दरमियान में अय्यू लगा दें, ये कायदा है। या अय्यूह रजुल, या अय्यूह लदीना आमनू, ठीक हो गया, ये लगा देते हैं। अब आप अगर कोई पूछे की लाने है, पूछ सकते हैं ना जी, तो उसका जवाब भी हम दे देते हैं। या जो है मार्फा बनाने के लिए आता है, और अर रजुल पहले से मार्फ है, दो मार्फे गठे हो अरब नहीं कहते हैं यार, ये अच्छी बात है, जो दो मार्फे गठे हो वो अच्छी बात। कौन से दो मार्फे, या उसको बना रहे हैं मार्फे की तरफ लेके जा रहे हैं, और अर रजुल पहले से इस्लाम लेके बैठा हुआ है, तो कहते हैं दरमियान में क्यों लगा दो, क्या लगा दो, अय्यू थोड़ा सा फासला हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, जी हाँ हाजी, दो बड़े तगड़े किस्म के लोग यार बैठे ना बैठो, जलजला हो जैसी यार, जैसी या नजर हो जैसी, थोड़ा दरमियान भी ऐसा जैसे कोई नलायक भी उठा लो यार, नजर ना लग जाए। अच्छा जी, तो सारे माशाल्लाह रिजल्ट तुम अच्छी तक बोलता रहता है, अपन नजर नहीं पे दिखती। या यू आर रजुल, इसको समझ गया आप, तो अच्छा ये जो आखिर सुने सुने सुने, अब आखिर में एक चीज आई है जिसको कहते हैं तरखीम, क्या कहते हैं जी, तरखीम, तरखीम किसे कहते हैं, तरखीम सुने सुने, तरखीम कहते हैं किसी कलमा के आखिर से एक या दो हरफ गिरा देना, ये भी किस लिए करते हैं, ताकि हरफ जरा हल्का हल्का हो जाए, पढ़ने में आसान हो जाए। तरखीम किसी कलमा के आखिर से एक या दो हरफ गिरा कर आसानी पैदा करना, तख़फ़ीफ़ करना, तरखीम कहते हैं इसको, रखम छोड़ना किसी चीज को, आई बात समझ। मिसाल के तौर पर ये मुनादा के साथ करते हैं, किसके साथ करते हैं, मुनादा, मसलन मंसूर किसी का नाम है, किसी का नाम क्या है, मंसूर लाला, अब इस पर हमने दाखिल किया या, और अब कहते हैं या मंसूर पढ़ो, खे इसमें तरखीम करो, क्या करो, तरखीम। अब तरखीम कहते हैं आप इसको या मन आखिर से दो अरब कराए, या मंसूर, या मंसूर, आई बात समझ, या मंसूर, आप इस तरह पढ़ सकते हैं। अच्छा इसी तरह मालिक, मालिक है ना, या गया पढ़े, या मालिक, अब के यहाँ एक गिराएंगे, यहाँ कितने गिराए, दो, क्योंकि ज्यादा थे तो गुंजाइश थी आप दो गिरा दें, या मालिक, या मारी, पीछे मारी बजता है ना। अब अरब लोग ये कहते हैं आपको ये भी इख्तियार है कि आप जो बजता है वो पढ़ें, या इस कायदे के तहत, ये सिंगल बॉडी वाला कायदा जी जी, क्या पढ़ें, या मालू, ये कायदा लगाएं तो या मालू, और जो बजता है उसको देखें तो या मारी, दोनों कहते हैं दोनों पढ़ें, सबको इख्तियार है, नहीं चाहेंगे, ये नाम है ना, ना देखें, अच्छा मीनिंग की आपने बात की है, नाम है ना, नाम में जब आप रखते हैं तो मीनिंग के एतबार करते हैं, लेकिन जब आप नाम रख लें तो फिर माने का एतबार नहीं किया जाता, फिर सिर्फ नाम का एतबार, बस ना आप किसी का नाम अब्दुल्ला है, आप उसको कहते हैं अब्दुल्ला, तो उसका मतलब ये तो नहीं है अल्लाह के बंदे, अब्दुल्ला वो आदमी मुराद होता है, आई बात समझ। तो इसलिए जब आप उसको काट के कह रहे हैं तो कोई मसला भी नहीं, नाम में माने आला, ये कानून है, ये भी देख लें, आलाम में मानी का इतबार वज़अन इब्तिदान होता है, हो सकता है, लेकिन इम्तिहान मालन अंजामन माने का इतबार नहीं होता, माने का इतबार नहीं होता। मसलन आप बाद में उसको कहें आपके नाम का माना ये बनता है, फरार बनता है, बनता रहे, वज़अन जब आप नाम रखते हैं तो फिर माना चेक करते हैं आप, उसके बाद इम्तिहान या मालन, मालन कहते हैं अंजामन आखिर में जाके, फिर मानी के दीवार नहीं होता, ठीक हो गया जी, आपका मुफ्त ही